तो सवाल है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी टेक्स इन आर टाइम इज दैट ऑफ के आज के करंट टाइम पर हम लोग देखें जो डेमोक्रेसी का हमें रूप दिखता है उसमें कौन सी फॉर्म दिखती है, तो वो हमें दिखती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग रहते हैं। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के जरिए इन बहुत सारे लोगों में से क्या किया जाता है, कुछ लोगों को चुना जाता है या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको कंट्री को चलाना है, और इसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हमारी कंट्री में भी तो ऐसे ही होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा भारत है, हमारे प्यारी कंट्री के अंदर इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के बाद हमने कुछ लोगों को चुना जिन्हें हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीडर कहा, और इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई ये देश को सही तरीके से चलाएंगे।